हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार एजुमीट पर। मैं क्रिश आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास टेंथ का टॉपिक सिक्स्थ, जो कि है ट्रायंगल्स। इस वीडियो में हम इस चैप्टर की सारी थ्योरम्स के बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर में इसमें टोटल हमारे पास 9 थ्योरम्स हैं। थ्योरम वो होती है जिसको हम किसी की वजह से क्या करते हैं, प्रूफ। कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन, थ्योरम्स किससे प्रूव होती है? कॉन्ट्राडिक्शन से। कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब है यहाँ पे वाद विवाद, यानी कि कोई भी अजप्शन हम करेंगे और उस अजप्शन को उसके अंदर हम रोंग दिखाएंगे और वो कॉन्ट्राडिक्शन हमारी थ्योरम क्या होगी, प्रूव होगी। इस चैप्टर के अंदर टोटल 9 थ्योरम है। किसके अंदर? ट्राइंगल के अंदर। ट्राइंगल का मतलब थ्री साइडेड क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड ट्रायंगल, या तीन साइड से जो फिगर क्लोज है उसको क्या बोलते हैं हम? ट्रायंगल। ये ट्रायंगल स्मॉलेस्ट पॉलीगन है। पॉलीगन वो होता है जो कोई भी इनक्लोज फिगर होता है, और स्मॉलेस्ट पॉलीगन हमारा आता है ट्रायंगल। ठीक है, देखो तो ट्रायंगल का मतलब थ्री साइडेड क्लोज फिगर इज कॉल्ड ट्रायंगल। और इस चैप्टर में टोटल कितनी थ्योरम है? 9। एक एक करके उन सारी थ्योरम्स के बारे में हम पढ़ेंगे और जानेंगे, देखते हैं। अब ट्रायंगल इस चैप्टर के अंदर दो कॉन्सेप्ट्स आते हैं, सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट के। सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट के, देखो सारी कॉन्ग्रुएंट सिमिलर फिगर की बात कर रहे हैं हम। सिमिलर फिगर और कॉन्ग्रुएंट फिगर, सारे जो कॉन्ग्रुएंट फिगर होती है वो क्या होती है? सिमिलर। लेकिन जो सिमिलर होती है वो सारी क्या नहीं होती? कॉन्ग्रुएंट। सिमिलर का मतलब कोई भी दो शेप क्या होगी? सेम। कोई भी दो शेप क्या होगी? सेम होगी। और कॉन्ग्रुएंट के अंदर हमारी शेप के साथ साथ लेंथ भी क्या होगी? सेम होगी। उस फिगर को हम क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर टोटल 9 थ्योरम्स हैं। तो पहली थ्योरम्स देखो क्या कहती है। पहली थ्योरम्स कहती है, थ्योरम कहती है, इफ अ लाइन इज ड्रोन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड एट द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। कि एक लाइन जो बेस होता है ट्राइंगल का, देखो ये एक ट्राइंगल है हमारा ए बी और सी, ये हमने कंक्लूड कर लिया, लेट ए ट्राइंगल कंक्लूड ए बी सी। अब इस ये जो हमारा बेस है, अगर इसके पैरेलल एक लाइन खींची जाती है, मान लो डी ई, ये हमने क्या कर दी, एक लाइन ड्रॉ करी किसके पैरेलल, जो कि डी ई किसके पैरेलल है? बी सी के। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो इसका रेशियो क्या होगा? इक्वल, ए डी बाय बी डी इज इक्वल टू ए ई डिवाइड बाय सी ई, ये होगा। देखो देन द टू अदर साइडेड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। अगर ऐसा होता है, ये जो पैरेलल लाइन है हमारी, ये जो हमारी पैरेलल लाइन है, अगर इसके पैरेलल खींची जाती है ट्रायंगल के बेस के, तो ये लाइन इन दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। ये है हमारी थ्योरम 6.1। थ्योरम 6.2 क्या बोलती है? थ्योरम 6.2 वो किसकी रिवर्स है? 6.1 के, जो यानी कि ये जो थ्योरम्स है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। देखो 6.1 थ्योरम क्या थी, एक ट्रायंगल था ए बी सी और इसके बेस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की जाती है डी ई, तो वो ए डी डिवाइड बाय बी डी इक्वल टू ए ई डिवाइड बाय सी ई, ये इक्वल क्या होता है हमारा यहाँ पे? रेशियो होता है। ये थ्योरम कौन सी थी अपने पास? थ्योरम 6.1। लेकिन बात किसकी कर रहे हैं? थ्योरम 6.2 की। ये किसकी रिवर्स है? 6.1 की। यानी कि अगर AD बाय BD इक्वल है AE बाय CE कोई भी ट्रायंगल की, कोई भी ट्रायंगल में, कोई भी ट्रायंगल में अगर इक्वल है, तो ये हमारी कौन सी थ्योरम है? 6.2। और ये बोलती है तो वो लाइन डी ई किसके पैरेलल होगी? बी सी के।
इस थ्योरम का एक और नाम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको हम बोलते हैं बीपीटी थ्योरम, जिसको हम क्या बोलते हैं बीपीटी थ्योरम, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये कौन सी थ्योरम है? 6.1। और इसका कन्वर्स, इसका क्या कन्वर्स, इसका कन्वर्स सी ओ एन, इसका कन्वर्स कौन सी थ्योरम है अपने पास? 6.2। ठीक है, हमारी थ्योरम 6.3। देखो, इफ इन टू ट्राइंगल्स क्रोसबोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, कि कोई भी दो ट्राइंगल है, देखो ट्राइंगल लेते हैं हम ए बी सी और पी क्यू आर, ये दो ट्राइंगल हमने हमारे लिए, कि ये थ्योरम 6.3 थ्योरम कहती है इफ इन टू ट्राइंगल्स क्रोसबोंडिंग एंगल, यानी कि ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल, अगर ये एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं देन देयर क्रोसबोंडिंग साइड आर इन द सेम रेशियो, यानी कि ए बी डिवाइड बाय पी क्यू, ये साइड इसके क्रोसबोंडिंग, ये साइड इसके क्रोसबोंडिंग और ये साइड इसके क्रोसबोंडिंग, इक्वल टू बी सी डिवाइड बाय क्यू आर, इक्वल टू पी सॉरी ए सी डिवाइड बाय पी आर, ये होगा। ये थ्योरम है, इनको हम प्रूव भी करेंगे, लेकिन थ्योरम 6.3 बोलती है कि इफ इन अ टू ट्राइंगल, दो ट्राइंगल के अंदर क्रोसबोंडिंग एंगल, ये जो इनके क्रोसबोंडिंग एंगल इक्वल हो जाते हैं तो देन द क्रोसबोंडिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, इनके क्रोसबोंडिंग साइड का रेशियो क्या होगा, सेम होगा, एंड देन द ट्राइंगल आर सिमिलर, जो ट्राइंगल है वो हमारी क्या हो जाएगी, सिमिलर। देखो ट्राइंगल सिमिलर दो तीन तरीकों से होती है, एक तो हमारा बाय द एंगल एंगल प्रॉपर्टी, साइड 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 प्रॉपर्टी, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी, या एंगल 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 प्रॉपर्टी, या राइट हैंड साइड, या राइट एंगल प्रॉपर्टी। ये इतने मेथड हैं जिससे ट्रायंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर। ट्रायंगल क्या शो करते हैं, सिमिलर, ए ए ए एंगल एंगल प्रॉपर्टी, साइड 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 प्रॉपर्टी, या कोई भी ट्रायंगल, दो ट्रायंगल है अगर उनको सिमिलर शो करना है, अगर उन दोनों के ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल दिखा देते हैं, दो या तीनों एंगल इक्वल दिखा देते हैं, तो वो क्या होता है, सिमिलर होता है। साइड साइड, अगर तीनों की साइड सेम हो तो वो क्या है, सिमिलर भी है और क्या है, कॉन्ग्रुएंट भी। अगर कॉन्ग्रुएंट, ये हमारा सिमिलर में भी रूल लगता है और कॉन्ग्रुएंट के अंदर भी रूल लगता है, अगर साइड सेम है यानी कि लेंथ सेम है और शेप तो सेम है, तो वो क्या होगा, हमारा फिगर कॉन्ग्रुएंट। साइड एंगल साइड, कोई भी ट्रायंगल की दो साइड और एक एंगल अगर इक्वल दिखा देते हैं तो वो ट्रायंगल कौन सा होगा, हमारा सिमिलर। ठीक है, अब राइट हैंड साइड, ये कौन सा भी, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि कोई भी दो ट्रायंगल 90 डिग्री के हैं तो वो क्या होंगे, सिमिलर। ठीक है, अब थ्योरम 6.4 ये बोलती है कि भाई मैं तो 6.3 की कन्वर्स हूं, 6.3 की क्या हूं, कन्वर्स। थ्योरम 6.4 देखो, नोई थ्योरम है, थ्योरम देखो 6.4 भी आ गई, इजी टॉपिक है, बहुत ही इजी और फ्री मार्किंग के क्वेश्चंस है, बहुत ही इजी, एक बार समझने की जरूरत है इस टॉपिक को, बाकी आसान है बिल्कुल। थ्योरम 6.4 किसकी कन्वर्स है भाई, थ्योरम कन्वर्स ऑफ 6.3, ये थ्योरम बोलती है भाई मैं तो कन्वर्स हूं किसकी, 6.3 की। ये बोलती है अगर ये चीज इक्वल है, दो ट्रायंगल की क्रोसबोंडिंग साइड्स अगर इक्वल है तो उनके क्रोसबोंडिंग एंगल क्या हो जाते हैं, इक्वल। ठीक है, 6.5 थ्योरम क्या है, 6.5 थ्योरम के अंदर दे रखा है एस ए एस, यानी कि साइड एंगल साइड, ये किसके लिए यूज होता है, ये यूज होता है कोई भी दो ट्रायंगल को क्या शो करने के लिए, सिमिलर शो करने के लिए, यानी कि ये जो हमारी थ्योरम है वो किसके लिए बनी है, ट्रायंगल को सिमिलर शो करने के लिए। ये क्या बोलती है, ये थ्योरम बोलती है कि दो ट्रायंगल है अपने पास, सारा खेल ट्रायंगल्स में चल रहा है, चैप्टर का नाम ही ट्रायंगल है, ए बी सी पी क्यू आर, ये दो ट्रायंगल है अपने पास, अगर इनका एक एंगल दूसरे एंगल के इक्वल हो जाता है और इसकी क्रोसबोंडिंग साइड्स
इस एंगल से बनने वाली दो लेंथ और उनका जो क्रोस्पोंडिंग साइड है दोनों ट्राइंगल की अगर इक्वल है तो वो दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर। जैसे कि अगर एंगल बी इक्वल है किसके, एंगल क्यू के, और ए बी बाय पी क्यू इक्वल है बी सी डिवाइड बाय पी आर के, तो ये दोनों ट्राइंगल ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ये हमारी कंडीशन है। ये साइड एंगल, साइड हमारी साइड, ये हमारा एंगल और ये हमारी क्या आ गई, साइड। ठीक है, 6.6 हम आ गए थे थ्योरम किस पे, 6.6 पे। देख लेते हैं हम इसको भी क्या कहती है ये, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, की द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, यानी कि दो सिमिलर ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी और क्या है पी क्यू, चलो पी क्यू और इस बार एम एन ओ ले लेते हैं, एम एन ओ, इन दोनों का एरिया का रेशियो, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल एम एन ओ, इन दोनों ट्राइंगल का एरिया किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर क्रोस्पोंडिंग साइड, इनके क्रोस्पोंडिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये हमारी थ्योरम कौन सी बोलती है, 6.6। देखो इसका क्रोस्पोंडिंग एंगल कौन सा हो गया हमारे पास, ए बी डिवाइड बाय एम एन का स्क्वायर इक्वल होता है ए सी डिवाइड बाय एम ओ का स्क्वायर, और ये इक्वल होता है बी सी डिवाइड बाय NO का स्क्वायर। ये सारे ट्राइंगल्स के क्रोस्पोंडिंग साइड का जो स्क्वायर है, क्रोस्पोंडिंग साइड का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल होता है, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल। इस थ्योरम को मैं सही से लिख सकता हूँ, लिख देता हूँ, देखो कि हमारे पास टू ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल है ए बी सी और ट्राइंगल कौन सा है पी क्यू आर, ये हमने दो ट्राइंगल ले लिए, ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर, ये क्या है हमें गिवन है। ठीक है, देखो ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर दोनों आपस में क्या है, सिमिलर। अगर ये सिमिलर होते हैं तो इनके क्रोस्पोंडिंग साइड का रेशियो ए बी डिवाइड बाय पी क्यू का स्क्वायर इक्वल होता है ए सी डिवाइड बाय पी आर का स्क्वायर इक्वल है बी सी डिवाइड बाय क्यू आर का स्क्वायर। ये साइड का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, इन दोनों ट्राइंगल के एरिया के रेशियो के इक्वल, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। ये हमारी थ्योरम कौन सी है, 6.6। लेके आए हैं थ्योरम 6.7 की, ये देखते हैं क्या कहती है, इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ ए राइट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल, इतना पढ़ लिया इतना जान लेते हैं कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉन किया जाता है वर्टेक्स से, किसकी वर्टेक्स से, राइट ट्रायंगल से। थ्योरम कौन सी है हमारे पास, 6.7। देखो एक ट्रायंगल है, ये अपने पास क्या है ट्रायंगल ए बी सी, ये क्या है ट्रायंगल, और यहां पे इस ट्रायंगल के क्या है राइट एंगल, ये अपना क्या है 90 डिग्री का, राइट एंगल हमेशा क्या होता है 90 डिग्री का। इसको क्या बोलते हैं, इस स्टेटमेंट को बोलते हैं कोलेरी, जो बिना प्रूफ के क्या, यानी कि बिना प्रूफ के सच मान ली जाती है, उस स्टेटमेंट को हम कोलेरी बोलते हैं। देखते हैं इसको छोड़ो, ये हमारा बी है, ये जो क्या है 90 डिग्री का, ठीक है, तो इसके वर्टेक्स से एक क्या बनाया जाता है परपेंडिकुलर, यहां पे कितने डिग्री का 90 डिग्री का, तो क्या हो जाएगा भाई, यहां से अगर ये हमने परपेंडिकुलर बनाया है तो क्या हो जाएगा, टू अ हाइपोटेनिस, ये अपना क्या है हाइपोटेनिस ट्रायंगल का, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है परपेंडिकुलर के सामने वाला क्या होता है हमेशा हाइपोटेनिस। ठीक है, देखो हाइपोटेनिस, देन द ट्रायंगल ऑन द बोथ साइड ऑफ द परपेंडिकुलर टू द होल साइड एंड ईच टू द ईच दर टू द होल ट्रायंगल आर सिमिलर,
यानी कि ये जो दोनों साइड इसके ट्राइंगल बनते हैं इस पूरे वाले के, और ये दोनों आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। यानी कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट आएगा ट्राइंगल ए, इसको नाम देते हैं डी, ए डी बी सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल बी डी सी सिमिलर टू ट्राइंगल, ये ट्राइंगल इस बड़ी वाले ट्राइंगल के ए बी सी ट्राइंगल, दो ही ट्राइंगल होते हैं ये बड़े वाले, और ये आपस में भी क्या होंगे, हमेशा सिमिलर होंगे। ट्राइंगल ए डी बी सिमिलर टू ट्राइंगल बी डी सी, ट्राइंगल बी डी सी, ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर, और ये ट्राइंगल बड़े वाले के सिमिलर, और ये ट्राइंगल किसके सिमिलर होंगे, बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर होंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, यहां से एक और स्टेटमेंट खड़ी हो जाती है, अगर ये ऐसा होता है, कौन सी ट्राइंगल है ये अपने पास, राइट एंगल, अपने पास कौन सी ट्राइंगल है, राइट एंगल। अब राइट एंगल में एक और होता है, देखो राइट एंगल ने, आपने पाइथागोरस थ्योरम सुनी होगी, बड़ी फेमस थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम, ये हमारी इस चैप्टर की 6.8 थ्योरम है, 6.8 थ्योरम है, कौन सी थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। ये 569 बीसी किसे लेकर 479 बीसी के बीच में पाइथागोरस नाम के साइंटिस्ट ने हमें प्रोवाइड करवाई थी ये थ्योरम। इसके माध्यम से हमें क्या करना है, प्रूव करना है ये दोनों आपस में इंटररिलेट करती है, ये दोनों थ्योरम आपस के अंदर, ये थ्योरम इस पे क्या है, डिपेंडेंट है। देख लेते हैं कैसे, देखो अभी पता चल जाएगा। इस थ्योरम को हम ट्रायंगल के मीडियम से करते हैं, ये तो थी हमारी थ्योरेटिकल बात, अब इसको हम जान लेते हैं प्रैक्टिकली। देखो अपने पास क्या है, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल बनाओ, ये हमने क्या बना लिया, ट्रायंगल ए बी सी, ये हमारा वर्टेक्स से क्या है, परपेंडिकुलर, इसका नाम हमने दे दिया डी। ठीक है, ये ट्रायंगल, अगर थ्योरम 6.7 क्या कहती है, ये ट्रायंगल इसके सिमिलर, ये ट्रायंगल पूरे ट्रायंगल के सिमिलर, ये ट्रायंगल और पूरे ट्रायंगल के सिमिलर, अगर यहां से अपने राइट एंगल से क्या बनाया जाता है, एक वर्टेक्स बनाया जाता है, ट्रायंगल ए डी बी, सबसे पहले ये ट्रायंगल उठाते हैं, ट्रायंगल ए डी बी, ये किसके सिमिलर होगी अकॉर्डिंग टू द थ्योरम 6.7, ये सिमिलर होगी ए बी सी के, ट्रायंगल ए बी सी। अगर इनके अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो एक और थ्योरम हमने पढ़ी थी इनकी, प्रोपोर्शनली क्या होगी, यानी क्रॉसफोल्डिंग साइड्स क्या होगी, इक्वल। देखते हैं कैसे, ए डी डिवाइड बाय ए बी इक्वल टू प्रोपोर्शनल किसकी होगी, हमारी ए बी डिवाइड बाय ए सी। देखो ये दोनों आपस में क्रॉसपोंडिंग, ये दोनों आपस में क्रॉसपोंडिंग। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ट्राइंगल बी डी सी और ए बी सी की। बी डी सी यहां पे लिख देता हूं, ट्राइंगल बी डी सी सिमिलर है किसके, ए बी सी के, ये दोनों आपस में बी डी डिवाइड बाय ए बी बी सी बी सी डिवाइड बाय ए सी। देखो यहां से हम बात कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई की, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए डी इक्वल टू ए बी का स्क्वायर पॉइंट ए सी, ए डी इंटू में ए सी इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर आ जाएगा, यहां से जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहां से यहां पे क्या आएगा, ए बी आएगा, सॉरी देखो बी डी डिवाइड बाय ए बी इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई, बी डी मल्टीप्लाई बाय ए सी इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर,
ये क्या हो जाएगा आपस में ऐड, ये दोनों अगर आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, पाइथागोरस थ्योरम निकल के आएगी यहाँ से। यानी कि जो थ्योरम 6.8 है वो किसके मीडियम से प्रूव होती है, अकॉर्डिंग टू द थ्योरम 6.7। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब देखते हैं आगे कि ये जो थ्योरम 6.8 है वो पाइथागोरस थ्योरम किस पे डिपेंड है, 6.7। अब जो हमारी थ्योरम एक लास्ट बच गई इस चैप्टर की 6.9, उसकी बात कर लेते हैं। थ्योरम 6.9 बोलती है अपने पास एक ट्राइंगल है ए बी सी। देखो ट्राइंगल ए बी सी, थ्योरम 6.9 क्या बोलती है हमें, यदि ट्राइंगल की दो साइड्स ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर हो जाता है, अगर दो साइड्स के ट्राइंगल के अंदर उसका स्क्वायर किसकी साइड के इक्वल हो जाता है, तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। यानी कि पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई हो जाती है किसी भी ट्राइंगल से तो उस ट्राइंगल में जो बीच वाला एंगल है, यानी कि जो उनके वर्टेक्स से बनने वाला एंगल है, उनके कोरस्पोंडिंग पार्ट से बनने वाला एंगल है, वो कितने का होगा, 90 डिग्री का। कुछ नहीं है, थ्योरम इजी है, 6.7, 6.8, 6.9 थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम से रिलेट करती है, बस हमें थोड़ी से समझने की बात है आप सभी का। इस चैप्टर में हमने बात कर ली सारी थ्योरम्स के थ्योरम के बारे में। ठीक है, तो आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज लेके आएंगे। थैंक यू।